Hello students, I hope you all are doing very good with your health and taking good care of your parents and grandparents if they are with you. We know that this is a very tough time for all of us to study and to be healthy. As we all know that coronavirus have tried to weaken us with lot many things. Hampering our not only studies, but it has also hampered our economy and many more things, many life-changing experiences have been achieved in this lockdown and after this lockdown. There is a saying that you must always take out the strength from your weakness. That means there is nothing short of, there is nothing which is called weakness for you. If you think there is something which weakens you, you must be able, or you should make the maximum use of it and convert it into your strength. When I was small, I used to hear the story of Amitabh Bachchan. That Amitabh Bachchan was discarded or rejected from All India Radio only because of his voice. And we all know that today when we hear him, we all enjoy a lot and we admire his voice. Like our Prime Minister, when he says something, we follow it. In the same way, when it is Amitabh Bachchan, if he is speaking, we keep our ears to him and listen him very carefully. It is because he made his weakness as his strength. And that is what we are going to do. And that is what I came up with this video. Students, this time of lockdown or no school or no studies time, you can strengthen your weakness where you are lacking behind with your studies. You have got enough of time with you. 5 to 6 hours of schools, which is not regularized now. 2 to 3 hours of your tuitions, which is again not in full-fledged or not regularized. So you can use the maximum, you can make maximum use of it. Especially being 10th standard students, aap log जहाँ भी वीक हैं, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एसएस हो, साइंस हो, या हिंदी हो, या कंप्यूटर, लोअर क्लासेस में जब आप 8th-9th में थे, तब की बुक्स को रेफर करके आप अपने उन सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा एक मीडियोकर स्टूडेंट ही बन के रह जाएंगे। मुझे पता है आप लोगों में से बहुतों ने अभी भी आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया। बहुतों ने एस चांद को अभी तक शायद खोला भी नहीं होगा और नाम भी नहीं लिखा होगा, विच इज रियली वेरी बैड। फ्रॉम आर स्कूल, हमारी स्कूल से हमने आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए 3 चीजें दी हुई है। एटलीस्ट मैथ और साइंस में 3 चीजें हैं, बाकी सब में 2-2 है। साइंस और मैथ्स की बात, मैथ्स की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक है, आर डी शर्मा है, और वर्कशीट जो मैंने दी हुई है। और साइंस में भी टेक्स्ट बुक, एस्टन और वर्कशीट, इतनी आपको कंप्लीट करनी है अगर आपको अच्छे ग्रेड्स स्कोर करने हैं तो। जो ट्रेलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पास होने के लिए भी कम से कम इसका आधा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस समय का बहुत ही अच्छा यूज़ कीजिए, पूरा यूज़ कीजिए। आप लोग लॉकडाउन में हैं, घर के बाहर आप जा नहीं सकते। अगर आप अब जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये 4th लॉकडाउन जो अनलॉक 1 है, उसमें जब आप बाहर निकल रहे हैं अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो आप अपने आप को रोक सकते हो, उनको आप मना कर सकते हो कि हमें नहीं जाना, क्योंकि आप 10th में हैं। और 10th एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ का, इसको समझो। 10th स्टैंडर्ड में ग्रेड्स, 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज,
टेंथ स्टैंडर्ड में आपकी पढ़ने की आदतें, ये सब डिसाइड करेगी कि आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। साइंस लेंगे तो आपके फ्रेंड्स अलग तरीके के होंगे, कॉमर्स लेंगे तो आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, आपके यार सब चेंज हो जाएंगे। आर्ट्स लेंगे तो एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। सभी फील्ड में स्ट्रगल है, और अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो यू आर नोवेयर। कोई भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, छोटा से छोटा जीव भी अगर जीने के लिए स्ट्रगल नहीं करता है तो वो मर जाता है। वैसे ही अगर पढ़ाई के लिए आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो एकेडेमिकली आप डेड हैं, और डेड पर्सन कभी भी डेवलपमेंट नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता, वो वहीं रह जाता है, सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। अगर आप अपना एकेडेमिक करियर यही ख़त्म करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करिए, उनको समझाइए कि अब आपको नहीं पढ़ना है, और एंजॉय कीजिए अपना पूरा दिन। पर अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में अपने दम पर, ना कि माँ बाप के दम पर, तो आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वेकेशन में आप लोगों को, या लॉकडाउन वन में एक वीडियो जारी करके बताया था कि आप राइटिंग पोर्शन जो है आपका लैब मैनुअल्स का, खास करके मैथ्स और साइंस का, वो कंप्लीट कर लीजिए। उस तरह से चैप्टर 1, 2, 3 साइंस का और चैप्टर 6 भी कंप्लीट करने के लिए बोला था, लेकिन क्योंकि अब आपके पास और टाइम है, शायद जुलाई तक स्कूल्स चालू हो, हमें नहीं लगता है कि जुलाई 15 तक भी चालू होगा, तो अभी भी आपके पास 1.5 मंथ है। इस 1.5 मंथ में आप साइंस की सारे चैप्टर्स की FNB कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग ने जो एस्चांद खरीदी हुई है उसके पीछे में सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। एक और तरीका है, आप गवर्नमेंट का एक ऐप है, दीक्षा ऐप, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से भी आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा NCERT से रिलेटेड। एक और ऐप है MyCBSEGuide.com, उसमें से भी आपको NCERT रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि सारे साइंस की सारी FNB, सारे चैप्टर की FNB पहले आप लिख लीजिए, जैसे हम पहले लिखते आए हैं। हो सके तो 3 हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप बायोलॉजी की अलग कॉपी बनाइए, केमिस्ट्री की अलग बनाइए, फिजिक्स की अलग बनाइए। अगर एक साथ बना ली हो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप चेंज कर सकते हो और बाद में भी चेंज कर सकते हो। पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम, मैथ्स में आपको RD शर्मा करनी ही है, ठीक है। अगर कुछ भी उसमें नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो नहीं आता समझ में, मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स की भी के भी वीडियोस बनाऊँ और ग्रुप में अपलोड करूँ, स्कूल के चैनल में या मेरे चैनल में, और आपको हम लिंक भेज दें। जब तक 1-on-1 डेटा का ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझ तक नहीं आएगा, तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेम यही करना है आपको इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और SS में भी, और कंप्यूटर में भी। हिंदी, इंग्लिश और SS के टीचर्स भी आपको ब्रीफ करेंगे, ऐसे ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ब्रीफ करेंगे कि आपको कितना पोर्शन, राइटिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब स्कूल चालू हो तो हम राइटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके हमारी एकेडमिक प्रिपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करें, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस हम जल्दी कर सकें। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। अगर ये मौका भी आपने छोड़ दिया, क्योंकि 2 महीने से
जब हमारी पीटीएम थी तब मुझे पता चला कि बहुत बहुत बच्चों बहुत पेरेंट्स ने ये बताया कि लिखने का काम कुछ नहीं हो रहा है, जितना वीडियो में आता है अब उतना ही लिखते हैं। बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही बुरी बात है। इट इज रियली वेरी बैड, वेरी वेरी बैड फ्रॉम योर पार्ट। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम टीचर्स होके इतना पेन लेते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग भी हमें उतना ही सपोर्ट करें जितना हम आपको करना चाहते हैं। सो साइंस के सारे चैप्टर्स के FNB इंटेक्स्ट एंड टेक्सचुअल आप कंप्लीट करिए घर पे। मैथ्स की भी जितने चैप्टर 8 चैप्टर होने आ गए, आधा सिलेबस खत्म होने आ गया। 8 चैप्टर की RD शर्मा वर्कशीट बहुत वर्क है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइम का पूरा यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे ग्रेड्स लाइए ताकि स्कूल्स मजबूर हो जाए आपके बड़े बड़े बैनर लगाने के लिए। स्टूडेंट्स अगेन ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, अपने फैमिली को भी हेल्दी रखिए और एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छे बच्चे, बेटा या बेटी, बहुत ही अच्छी संतान बनने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय।